आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, प्रश्न है, ऑक्सीजन प्लस दो इलेक्ट्रॉन ओ माइनस टू और इसके लिए डेल्टा एच का मान दे रखा है 603 किलो जूल प्रति मोल। डेल्टा एच धनात्मक होने का कारण क्या है? दोस्तों, जब भी किसी गैसीय परमाणु तत्वों के अंदर ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है, ये एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो ओ माइनस वन बनाएगा, ठीक है, और फिर से ओ माइनस वन एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करता है तब ये ओ माइनस टू बनाएगा। जब ये ओ माइनस वन बना रहा है तो इसके लिए ऊर्जा जो होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है उसे हम Ea1 कहते हैं जब वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो Ea2 कहलाती है। दोस्तों, ये जो Ea2 होती है वो Ea1 जो होती है इसमें हमेशा ऊर्जा जो होती है वो उत्सर्जित होती है, और Ea2 हमारा धनात्मक होता है, ऊर्जा देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पर माइनस आवेश आने का मतलब है कि इस पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने के कारण इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं जुड़ेगा, इस पर ऊर्जा देनी पड़ेगी, अवशोषित करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर हमारे को इसको ऊर्जा देनी पड़ती है, और यही ऊर्जा जो देनी पड़ती है इसे हम कहते हैं डेल्टा एच धनात्मक। इस प्रक्रम को हम ऊष्मा शोषी प्रक्रम कहते हैं, जहां पर ऊर्जा जो है वो हमारे क्रिया कारक की तरफ होती है तो ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है, और अगर यही ऊर्जा हमारी इस तरफ होती, उत्पाद की तरफ होती, तो ये ऋणात्मक होती, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होता। तो डेल्टा एच धनात्मक है और इसके लिए डेल्टा एच का मान जो है वो कितना दिया हुआ है, 603 किलो जूल प्रति मोल। ये इसकी Ea2 दी हुई है, जो धनात्मक होने का कारण आपको पता लग गया कि O माइनस पे हम लिख लेते हैं O माइनस वन के इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो इसलिए ये ऊष्मा शोषी हो गया। अब जब ऊर्जा देते हैं तभी ये धनात्मक होती है। तो हमारे पास विकल्प कौन कौन से है, O माइनस में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं, O माइनस वन में जुड़ने पर उत्सर्जन नहीं होता है, O माइनस वन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ये विकल्प हमारा सही, ठीक है ना। ऑक्सीजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है नहीं, इसमें ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है, तो विकल्प हमारा कौन सा सही जाएगा, दूसरा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।